नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे मेनफोर्स 100 mg टेबलेट कैसे खाएं। मेनफोर्स टेबलेट काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे इसका सेवन करना है यह हर किसी को मालूम नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें रहता है जो इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मेनफोर्स टेबलेट कैसे सेवन करें जिससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, और किस किस साथ इसका इस्तेमाल करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप सिडिलनाफिल टेबलेट का सेवन करना चाहते हैं तो आपको ये बाज़ार में कई नामों से, जैसे मेनफोर्स, वियाग्रा, सुहाग्रा, कमाग्रा, मैक्सुत्रा, सिनाग्रा, कामसूत्रा नाम से उपलब्ध है। आप किसी का भी सेवन कर सकते हैं। बाज़ार में आपको सबसे ज़्यादा मेनफोर्स टेबलेट बिकती है, आपको यह हर जगह आसानी से मिल जाएगी। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 50 mg और 100 mg, दो तरह के। 50 mg आपको 10 रुपये में एक टेबलेट और 100 mg आपको 20 रुपये में एक टेबलेट मिल जाएगी। MRP तो बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये बाज़ार में इतनी ज़्यादा बिकती है कि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया और ये आपको 10 से 20 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। अब बात करें कैसे इसका काम करें, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका 50 mg ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू से 100 mg लेने लगेंगे तो फिर आपको 50 mg सूट नहीं करेगा। इसलिए आप शुरुआत में 50 mg ही इस्तेमाल करें। आप इसका लगातार कभी भी सेवन ना करें। लगातार सेवन करने से आपको इसकी आदत पड़ जाती है, आगे जाके आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इसका सेवन हमेशा 10 से 15 दिन का गैप देकर ही करें, अगर आपकी एज कम है तो। अगर ज़्यादा उम्र के लोग तो लगातार इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या ज़्यादा रहती है, उन्हें इसके से ज़्यादा काम नहीं चल पाता, इसलिए वो लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान होगा कि अगर आपकी उम्र कम रहे, 30 वर्ष से नीचे है, तो आप पहले आप तो इसका 50 mg ही इस्तेमाल करें, और 50 mg नहीं काम करते तभी आप इसका सेवन करें 100 mg का, नहीं तो आप 50 mg आपको फ़ायदा करें तो 50 mg इस्तेमाल करें। और उसके बाद दूसरा चीज़ ध्यान देना है, इसको आपको कभी लगातार सेवन ना करें, क्योंकि लगातार सेवन करने से साइड इफेक्ट के भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। आप गैप दे दे के सेवन करेंगे तो इसकी आदत भी नहीं पड़ेगी और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अब बात करें कैसे इस्तेमाल करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अगर आपको ज़्यादा हरासमेंट होती है तो आप इसका सेवन करने से 1 घंटा पहले आप रिवाइटल एच कैप्सूल का सेवन करें, जिससे आपको अंदर से हरासमेंट नहीं होगा, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई अगर होगा अगर आप एक टैबलेट पहले रिवाइटल का सेवन कर लेते हैं। आप इसका सेवन दूध या गर्म पानी के साथ 1 घंटा पहले कर सकते हैं। आप इसे खाली पेट या भोजन के साथ सेवन कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद ही इसका सेवन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूध या गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन करें। तो आप मेनफोर्स टेबलेट का सेवन करने से पहले दो चीज़ों का हमेशा ध्यान दें। अगर आपको साइड इफेक्ट से बचना है तो हमेशा गैप 10-15 दिन का गैप दे के ही इसका सेवन करें। अगर कम उम्र है, ज़्यादा उम्र है तो आप लगातार सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने के अनुसार, क्योंकि मेनफोर्स टेबलेट रेड ग्रुप की दवा आती है और इसके बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से सलाह लें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, डॉक्टर आपको कहे तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो कभी भी इसका सेवन करने से पहले आप एक मल्टीविटामिन जैसे रिवाइटल एच कैप्सूल का एक गोली सेवन कर ले, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, डबल फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब तरीका अपना ही आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।